हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है सिया कुकिंग पर। सो फ्रेंड्स, आज की जो हम रेसिपी लेके आए हैं वो लेके आए हैं समोसा की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ आलू लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है, अच्छे से उबाल लिया है। यहाँ पे लिए हमने अदरक, हरी मिर्च और दरदरा धनिया, जीरा, टमाटर। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने लिए हैं मसाले, ये लिया है फ्रेंड्स हमने जीरा और धनिया, साबुत धनिया, उसको हमने थोड़ा सा दरदरा पीस रखा है। फ्रेंड्स ये हरी मिर्च, ये सूखी हुई हरी मिर्च है, हमने इनको भी पीस रखा है दरदरा। लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये फ्रेंड्स पुदीना और हरा धनिया, इसको भी हमने सुखाकर रख रखा है। धनिया पाउडर और ये फ्रेंड्स जीरा पाउडर। अब फ्रेंड्स हमने ले लिए कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल का थोड़ा पकने तक का वेट करते हैं फ्रेंड्स। ऑयल हमने फ्रेंड्स पहले से ही पका के रखा हुआ था तो इसलिए हम इसको गर्म कर लेंगे बस। अब डालेंगे अपना दरदरा, धनिया और जीरा जो हमने पीस रख के रखा है। अब फ्रेंड्स हम डालेंगे हींग, अदरक, अदरक सभी चीज़ों को फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए चला लेंगे भूनकर। अदरक हरी मिर्च हमारी भुन चुकी हैं, अब हम डालेंगे टमाटर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, फ्रेंड्स इतने हमारे धीमी धीमी आंच पर टमाटर पकते हैं थोड़े से, इतने हम दिखाते हैं आपको। आलू उनको हमें अच्छे से इस शेप में कट कर लेना है, आप चाहे तो पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं। टमाटर हमारे हो चुके हैं, अब हम डालेंगे सारे मसाले, धनिया, जीरा पाउडर, हरा धनिया पाउडर, पुदीना और धनिया जिसको हमने पीस के रखा था, हरी मिर्च, ये फ्रेंड्स जब हमारी हरी मिर्च सूख जाती है हम धूप में सुखा के इनको मिक्सी में पीस लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी। आप सभी चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम डालेंगे आलू, सभी मसालों को आलू के अंदर सेटल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम ऐड करेंगे टेस्ट के लिए अमचूर पाउडर, हाँ
स्टफिंग हमारी एकदम रेडी है फ्रेंड्स समोसे की। फ्रेंड्स हमारी स्टफिंग एकदम रेडी है, अब हम इसको रख देंगे साइड उठाकर। अब हम लगाते हैं अपना मैदा का डो समोसे के लिए। अब हम डालेंगे 2 कटोरी मैदा, और फ्रेंड्स हम दूसरा बाउल भी डालेंगे कटोरी। हमने 2 बाउल मैदा ले लिए हैं। अब हम डालेंगे अजवाइन थोड़ी सी, हल्का सा जीरा, थोड़ा सा फ्रेंड्स हम डाल देंगे काला नमक, ये टेस्ट के लिए अच्छा रहता है और डाइजेशन के लिए भी। थोड़ा सा डालेंगे मोन ऑयल, डाल दिया हमने मोन के लिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे मैदा के अंदर। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपने मैदा को गूंथ लेंगे अच्छे से। अच्छे से मसल मसल कर गूंथ लेनी है फ्रेंड्स आपको अपनी मैदा। अब हम फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं मैदा का डो लगाने के बाद। फ्रेंड्स हमने डो को लगा लिया है, अब हम इसको 10 मिनट उठा के साइड रख देंगे। और एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डाल लेंगे और ऑयल को कर लेंगे अच्छे से गर्म, इसको पका लेंगे। फ्रेंड्स हमारा डो भी रेडी है अब मैदा का, हमारी स्टफिंग भी रेडी है। यहाँ पे ले लिया हमने चकला बेलन और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम फ्रेंड्स करते हैं बनाना स्टार्ट। आपको बहुत बारीक बेलना है मैदा को, इसकी जो रोटी है। फ्रेंड्स पानी लगा के हमने अपने मैदा को क्लोज कर देना है, चिपका लेना है। अब इसमें हमने करनी है स्टफिंग, कोन की तरह हमें बना लेना है फ्रेंड्स ये। पानी लगाकर चारों कोनों पर ऐसे करके फ्रेंड्स हमें अपने सभी समोसे की स्टफिंग कर लेनी है। फिर हम कढ़ाई में छोड़ेंगे, फिर से दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको दूसरी स्टफिंग करके। ऐसे करके आपको मैदा को कोन की शेप में लाना है।
पानी लगा के फ्रेंड्स हमें अपने कोनों को बंद कर देना है। अब हमने अपने समोसे फ्रेंड्स ऑयल में डाल दिए हैं, इनको अच्छे से फ्राई करना है हमको। फ्रेंड्स हमें अपने समोसे मंदी मंदी गैस पर तलने हैं। मंदी मंदी फ्लेम पर हमें अपने समोसों को तलना है। ऐसे करके हम अपने सभी समोसों को फ्राई कर लेंगे। लाल चटनी, दही और ये देखिए फ्रेंड्स दिखने में भी कितना डिलीशियस है। फ्रेंड्स हमने अपने समोसों की प्लेटिंग कर ली है और हमने अपने समोसों को धीमी धीमी आंच पर तला है। ये देखिए आप, इसके साथ हमने ले लिया हरी चटनी, लाल चटनी, दही और ये देखिए फ्रेंड्स। तो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स समोसों की रेसिपी ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। देखने के लिए थैंक यू सो मच।